Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। इंसान के दांत में फंस जाने वाले पॉपकॉर्न की वजह से दिल की सर्जरी। जी हाँ, ये वाकया एक 41 साल बरतानवी शहरी के साथ पेश आया। इंग्लैंड के कार्निवाल से ताल्लुक रखने वाले फायर फाइटर एडम मार्टिन ने बताया कि सितंबर में वो और उनकी फैमिली एक फिल्म देखने गए और वहाँ पे उन्होंने पॉपकॉर्न खाए तो पॉपकॉर्न का टुकड़ा उनके दांत में फंस गया। 3 दिन तक वो पॉपकॉर्न को निकालने में मसरूफ़ रहे, मुतअद्दिद चीज़ों का इस्तेमाल किया, यानी कलम की नोक, टूथपिक और अलावा उसके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन नाकाम रहा। और ऐसा करते वक्त उसने अपने मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। एक हफ्ता बाद उनको सरदर्द, थकावट और ज़्यादा नींद आने लगी। ये सब वो फ्लू की अलामत समझते रहे, लेकिन बाद में उनको कार्डाइट्स की अलामत या एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन मालूम हुआ, जो दिल की शरियानों तक पहुंचा और नुकसान दिया। हेल्थ लाइन के मुताबिक ये इन्फेक्शन उस वक्त होता है जब मुन्ना, जल्द, आंतों और जिस्म के दीगर हिस्सों से जरासीम खून में दाखिल हो जाते हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत ख़राब होती रही। एक दिन डॉक्टर के पास गए, जिसने मुआयना किया। वो कहते हैं कि वो बहुत परेशान था, ये सोच रहा था कि अगर मैं पहले दांतों के डॉक्टर के पास जाता तो शायद ये मुश्किल नहीं देखनी पड़ती। बिलाखिर उनका ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी, क्योंकि दिल की शरियाने इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो चुकी थी। मार्टिन ने सबको मशवरा दिया है कि कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो फौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और वो आइंदा कभी भी पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड।